स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मेरे तरफ से नमस्कार। आप सभी को हमारे प्रेरणा टीवी चैनल के तरफ से भी दीदी नमस्कार। अगर अभी तक आपने हमारे प्रेरणा टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दीदी जल्द सब्सक्राइब कर लें और केंद्र सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाएंगी, DNLM के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाएंगी, आप सभी को सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी और आप लोग लाभ उठा लीजिएगा। तो इसके लिए आप सभी को हमारे प्रेरणा टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। प्लीज़ दीदी हमारे प्रेरणा टीवी चैनल को सब्सक्राइब करिए और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आगे बढ़ाइए। तो चलिए दीदी, ज़्यादा ना बात करते हुए मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। अगर आप एक स्वयं सहायता समूह की महिला है तो आप सभी से मैं अनुरोध करूंगी कि आप लोग जो है दीदी पंचसूत का पालन जरूर करते रहिए, क्योंकि जब तक आप लोग पंचसूत का पालन नहीं करेंगी आप सभी को रोज़गार नहीं मिलेगा। जी हाँ, उसी समूह की महिलाओं को रोज़गार दिया जाता है जो समूह की महिलाएँ सक्रिय होती हैं और तेज़ होती हैं, जो अपने समूह का बाकायदा ख्याल रखती हैं, बैठकें कराती हैं, बचत कराती हैं और लेन देन करती हैं और रजिस्टरों के बारे में भी जांच पड़ताल करती रहती हैं कि हमारा रजिस्टर समूह का सही चल लिखा पढ़ी हो रहा है या नहीं। ऐसी दीदियों को वरीयता बहुत ही जल्दी मिल जाती है। चलिए दीदी, ज़्यादा ना बात करूँगी, मेन टॉपिक पे आऊँगी। कोविड काल में खुली नहीं रहा, जिस एक तरफ जहाँ दीदी कोविड काल में काफ़ी महिलाएँ परेशान हैं और रोज़गार बंद भी हैं, कुछ की यहाँ तो इनकम का स्रोत एकदम बंद हो गया है और खाने पीने के भी लाले पड़ गए हैं, तो ऐसी महिलाओं के लिए खासकर बहुत अच्छी खबर है। जी हाँ, कोविड काल में खुली नहीं रहा है, उत्तर प्रदेश में 22 लाख महिलाओं को मिलेगा रोज़गार। जी हाँ, यह 100% सही बात है दीदी, सभी दीदियों को रोज़गार मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने समूह की देखभाल करते रहना है और DNLM से जुड़ भी जाना है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट के बीच राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जी हाँ, स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन साल 2021 से लेकर 2022 में, जी हाँ 2022 आते आते सभी दीदियों को रोज़गार देना ही है, 22 लाख ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ेगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने उत्तर प्रदेश को इस साल 2 लाख महिला स्वयं सहायता समूह गठित करने का लक्ष्य दिया गया है। जी हाँ, 2 लाख महिला स्वयं सहायता समूह गठित करने का लक्ष्य दिया गया है। कोरोना के इस कठिन संकट के समय में भी महिलाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार की नई राहें खुल रही हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन साल 2021 से लेकर 2022 में 22 लाख ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ेगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने उत्तर प्रदेश को इस साल 2 लाख महिला स्वयं सहायता समूह गठित करने का लक्ष्य दिया गया है और उन दीदियों को रोजगार भी दिलाने का अवसर मिलेगा। आपको बता दें कि बीते वित्तीय वर्ष में भी कोविड काल के दौरान प्रदेश में 1,10,000 समूह गठित कर 12 लाख से ज़्यादा महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। आत्मनिर्भर बनी 1,10,000 महिलाएं राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के निदेशक सुजीत कुमार के मुताबिक बीते साल 2 लाख समूह गठित करने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संकट के चलते उत्तर प्रदेश की ओर से लक्ष्य को कम करने का आग्रह केंद्र सरकार से किया गया है। इस पर केंद्र सरकार ने 1 लाख समूह गठित करने का लक्ष्य दिया। बीते वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश में 1,10,000 समूह गठित कर नए नए सेक्टर में महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा गया। इन सेक्टरों में मिला रोजगार, जी हाँ, इन सेक्टरों में मिला रोजगार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के निदेशक सुजीत कुमार ने बताया कि इनमें 58,000, जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं BC सखी के बारे में, 58,000 महिलाओं को बैंकिंग सखी नियुक्त किया गया, 67,000 महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों में पोष्ट आहार वितरण की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा बिजली के बिल संग्रहण, स्कूल यूनिफॉर्म निर्माण, राशन की दुकानों के संचालन,
मास्क, पीपी किट और सैनिटाइजर बनाने के काम में भी महिलाओं को जोड़ा गया। महिलाओं को दूसरे क्षेत्रों में भी रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। 652 महिलाएं चलाएंगी गांव की सरकार। जी हां, 652 महिलाएं चलाएंगी गांव की सरकार। आइए जानते हैं कैसे। प्रदेश में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने ऊंची उड़ान भरी है। प्रदेश में हाल ही में हुई पंचायत चुनाव में भी स्वयं सहायता समूह की 1534 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं। ये महिलाएं खुद आत्मनिर्भर बनने के साथ अब गांव की पंचायतों में भी अहम भूमिका निभाएंगी। सरकार स्वयं सहायता समूहों की ओर महिलाओं को विभिन्न अवसर पर प्रेरित करती रही है। प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए हैं। पूरे प्रदेश में पंचायत चुनाव में स्वयं सहायता समूह की कुल 3521 महिलाओं ने विभिन्न पदों के लिए तकदीर को आजमाया था, जिसमें से 1534 ने चुनाव जीता। आजीविका मिशन निर्देश सुजीत कुमार के मुताबिक 11 जिलों में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने जीत दर्ज की है। ग्राम प्रधान पद के लिए 1791 महिलाओं में से 662 ने विजय हासिल की। क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए 1140 महिलाओं में से 476 निर्वाचित हुई। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए 68 महिलाओं में से 22 महिलाएं विजयी हुई हैं और 6 दूसरे नंबर पर रही हैं। इसी प्रकार एक से बढ़कर एक महिलाएं काम करती जा रही हैं और सरकार की तरफ से रोजगार आने के अवसर अब बढ़ गए हैं। अगर आप स्वयं सहायता समूह में नहीं जुड़ी हैं तो आपको तुरंत जुड़ जाना चाहिए। सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं आएंगी आप सभी को पहले वरीयता दी जाएगी, क्योंकि अब स्वयं सहायता समूह में ही सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं आएंगी दी जाएगी उन्हीं दीदियों को। तो आप लोग अगर स्वयं सहायता समूह में नहीं जुड़ी हैं तो आप लोग तुरंत जुड़ जाएं। जुड़ना कैसे है, अगर आपके यहाँ भी समूह नहीं बन रहा है तो आपका दीदी जहाँ भी ब्लॉक हो, जी हाँ आपका जहाँ भी ब्लॉक हो, आप अपने ब्लॉक से संपर्क कर सकती हैं कि क्या वहाँ DNRLM के द्वारा समूह बनाए जा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं बनाए जा रहे हैं तो कब तक वहाँ चलेगा, क्योंकि ये 19 राज्यों और 75 जिलों में बनने हैं। जी हाँ, 19 राज्यों और 75 जिलों में स्वयं सहायता समूह बनाने का आदेश है और बनेंगे ही। तो चलिए दीदी, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। प्लीज़ दीदी सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें और हमें भी बढ़ने का मौका दें। तो जब तक आप लोग हमारा साथ नहीं देंगी तब तक आपके पास हमारी आवाज़ नहीं पहुंचेगी, क्योंकि आप ही लोग के लिए हम वीडियो बनाते हैं और आप लोग इसका लाभ ज़रूर उठाया करिए, क्योंकि वीडियो बनाना हमारा काम है लेकिन योजनाओं से अवगत तो करा देते हैं, लेकिन आपको लाभ उठाना है तभी हम बढ़ेंगे, आप बढ़ेंगी और आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए दीदी, आज की वीडियो में इतना ही। जय आजीविका।